उसके कि हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट स्टोरीज को, और पॉइंट स्टोरीज को कैसे करते हैं और उसको लिखने का क्या तरीका है वो भी हम डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। उम्मीद है कि आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे और थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करके बाकियों की भी हेल्प करेंगे और अपनी भी कुछ कंक्लूजन्स को। सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट, दैट इज पॉइंट स्टोरी। पॉइंट स्टोरी इज आवर टूडेज टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है पॉइंट स्टोरी से रिलेटेड, इसमें हम इसकी गाइडलाइंस, इसकी टिप्स एंड टेक्निक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेनली पिक्चर स्टोरी से रिलेटेड जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी सेम वो इसमें अप्लाई हो जाएंगी, और लेकिन इसमें सिर्फ चेंज ये है, डिफरेंस ये है कि दे गेव यू ऑलरेडी डायरेक्शन फॉर इट। ठीक है, पिक्चर स्टोरी में देखें हमने क्या किया था, आपको एक तस्वीर दिखाई गई थी और उस तस्वीर में मैंने आपको कहा था अब आपकी चॉइस है कि इस पिक्चर से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिस टॉपिक पे आप बात करेंगे। दो बंदे नजर आ रहे हैं टेबल के, एक टेबल में बैठी हुई है लड़की, एक टेबल पे लड़का खड़ा हुआ है टेबल के साथ, इसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स हैं, पीछे ऑफिस का एनवायरमेंट नजर आ रहा है। तो आप चाहें तो लड़के पे पिक्चर बना लें, आप चाहे तो लड़की पे पिक्चर बना लें, आप चाहे तो ऑफिस पे पिक्चर बना लें, आप चाहे तो किसी भी चीज पे पिक्चर बना लें, इट इज अप टू यू। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ स्टोरी के अंदर चीजों को थोड़ा सा डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है कि आपने उसी साइड पे रहना है जो वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो डायरेक्शन प्रोवाइड किया उसी को आगे कंप्लीट करना। सो इन फ्रंट ऑफ यू आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देयर रिलेशनशिप वॉज सो गुड बट सडनली उनके जो ताल्लुकात थे, आपस में मामलात थे, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक के बाद जो है आपने आगे स्टोरी स्टार्ट करनी है ऐसी सेंटेंस को कंप्लीट करके। ऐसा नहीं है कि आप सडनली के बाद फुल स्टॉप लगाएं और फिर नए सिरे से स्टार्ट करें जीरो से के वंस अपॉन अ टाइम में जो भी आपने स्टार्ट लेना है, ऐसा नहीं है। आप इस सडनली को कंप्लीट करेंगे, सडनली वाले सेंटेंस को, और आगे फिर फ्लो बना के स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट कंप्लीट दिस सेंटेंस फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखें एक नजर आ रहा है, देयर रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली। आप लोगों के पास कोई आइडियाज आ रहे हैं तो वन बाय वन लाइनर में, एक लाइन के अंदर बताएं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो जरा साथ साथ रिस्पॉन्स दें, मैं बाकी चीजों को भी डिस्कस करूँ। ठीक है, देन देयर इज अनदर स्टोरी, दैट इज अली वाज सिटिंग विद हर फ्रेंड्स सडनली, और हिज फ्रेंड सडनली, शी वॉज ऑल अलोन इन अ स्टॉर्मी नाइट सडनली। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो हर स्टोरी के बाद सडनली का वर्ड आया हुआ। ठीक है, ये इतफाक है वैसे, आप इसको नॉर्मल समझें कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सडनली का वर्ड से ही आगे स्टार्ट हो, जनरल भी हो सकता है, आगे कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें जनरल भी शायद हो डिस्कस। ही वॉज पुअर वन डे ही, ठीक है, इसमें अब सडनली नहीं है, तो इस तरह के डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन सडनली थोड़ा सा जो है ट्रिकी है। दैट इज व्हाई आई मेंशन इट हियर कि आपने इसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है, बिकॉज इसमें कुछ चीजें हैं जो हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, वो बाहर आती हैं। सो लेट्स रिप्लाई टू द फर्स्ट पॉइंट, जो देयर रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली। इमरान ने लिखा है, देयर रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली हर ब्रदर गॉट अ जॉब इन पाकिस्तान आर्मी एंड वेंट अवे फ्रॉम आवर होम। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ गुड सेंटेंस, अ गुड रिस्पॉन्स, बिकॉज देखें जब भी बात होती है कि उनका रिलेशनशिप आपस में अच्छा है, तो हमेशा उस रिलेशनशिप की बात होती है जो कि ब्लड रिलेशन ना हो। ऑफकोर्स बहन भाई हैं तो उनका रिलेशनशिप तो अच्छा ही होगा, और उनका रिलेशनशिप मेरे ख्याल में रिलेशनशिप नहीं होता, दे आर ऑलरेडी लाइक बाउंड फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, ये उस रिलेशनशिप की बात होगी जो आपकी लाइफ के अंदर बनता है, सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, मे बी फ्रेंड्स, मे बी टीचर, मे बी समवन एल्स, ठीक है, बॉस हो सकता है, तो इट इज काइंड ऑफ दैट। ये ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड शायद ना हो, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि ये उस रिलेशनशिप के साथ आप इसको जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि मैंने इस पे आपको कोई गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड की है ऑलरेडी, तो आई एक्सपेक्ट के आप लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं इसमें थोड़े से वही होंगे जो मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड की है। ठीक है, लेट मी आस्क वन मोर, ओके, लेट्स रिस्पॉन्स दिस पॉइंट स्टोरी। शी वाज ऑल अलोन इन हर रूम, ठीक है,
और उसको अचानक क्या होता है, इसके बारे में बताएं, देन वी विल डिस्कस दिस। ओके, ये वाला इश्यू। अच्छा जी, आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं, लेट मी चेक वन बाय वन। कायनात ने लिखा है अली प्रपोज, अली पर्पस एम अहमद फॉर बिजनेस डील। प्रपोज आएगा, पर्पस नहीं आएगा, प्रपोज। किस चीज के बारे में आपने रिस्पांस दिया? देयर वाज रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली, ये रॉन्ग है कायनात, इट इज नॉट लाइक दैट। देखिए इंग्लिश में जब भी बट आता है या बट के साथ सडनली आता है, दैट मींस कि कोई चीज डिफरेंट हुई है, उस सेंस में नहीं हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर रिलेशनशिप वॉज सो गुड बट सडनली, अब अचानक कुछ ऐसा हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं था। अगर तो ये है कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अचानक उन्होंने एक दूसरे को बिजनेस की ऑफर की, ये कोई सेंस बन नहीं रही इसकी। चले, ही वॉज इल एंड ही डिडंट कम टू अटेंड मोर क्लासेस। दिस इज हारून रशीद, दिस इज अ वेरी नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा कभी भी नहीं लिखना। इट शोज यूर फिजिकल इलनेस, और ये आपकी बीमारी से रिलेटेड है, मे बी आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, आपने कभी भी ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाने कि जिसकी वजह से आप बीमार हो गए, ऑफिस नहीं गए, आप या कोई और बीमार हो गया, थर्ड पार्टी बीमार हो गई, आप क्लास नहीं गए। ठीक है, आपने किसी को छुट्टी करवा दी। ठीक है, तो ये सिकनेस वगैरह इस तरह की चीजें इनसे दूर रहे। वॉट अ कॉल फ्रॉम ISSB फॉर हर रिकमेंडेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? लेट मी चेक, इस किसी वन ऑल अलोन इन हर रूम सडनली, दैट इज अ गुड पॉइंट। ठीक है, ये सेंटेंस बन सकता है, शी हेयर सम नॉइस ऑफ बर्ड्स। ठीक है, इसमें भी बना सकते हैं नेचर से रिलेटेड। ओके सर, चले ऑल गुड, आई थिंक सो। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। टुक अ न्यू टर्न ऑफ देयर लाइफ, दैट इज आल्सो गुड। अच्छा जी, चले सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है आपको समझाना कि व्हेन एवर देयर इज अ वर्ड सडनली, जब भी कभी कोई वर्ड आता है कि अचानक का, सडन का, ठीक है, तो उसमें ये है कि थोड़ा सा आपने रिलैक्स रहना, रिलैक्स इस तरह रहना है कि सडन से आपने घबराना नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि देखिए, हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि हमारा मीडिया, हमारा कल्चर, ठीक है, हमारी सोसाइटी, हमारा जो भी ब्रॉटअप है, उस ब्रॉटअप के अंदर हमें जो है थोड़ा सा चीज़ों को नेगेटिव जज करना सिखाया गया। तो उसमें अब प्रॉब्लम आती है हमें, जब भी सडनली का वर्ड आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं देर इज समथिंग मिर्ची मसाला, देर इज समथिंग सनसनी खेज, ठीक है, देर इज समथिंग क्रिस्पी, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो, थोड़ा सा एडवेंचर हो, पता चले जी फलाना मर गया है, पता चले कि कोई धमाका हो गया है, पता चले कि कोई ब्लास्ट हो गया है, कोई किसी को इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें पसंद आती हैं। तो जब भी हमें सडनली का वर्ड दिया जाता है तो हम हमेशा उसके बाद फौरन से चीज़ों को नेगेटिव देखते हैं। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम वेरी स्टार्ट. ठीक है, सबसे पहले ये देखें, देयर रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली. हमेशा जितने रिस्पॉन्सेज आप देखेंगे, आप वैसे जनरली कोई अपना दोस्त पकड़े, ठीक है, उससे ये बात पूछें, देयर रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली, वो आपको ना हमेशा सडनली के बाद कहेगा कि उनकी लड़ाई हो गई. देयर रिलेशनशिप वाज सो गुड बट सडनली दे फाइट ऑन समथिंग, सडनली समथिंग हैपेंड जिनकी वजह से उनका आपस में मामला खराब हो गए, गुस्से से नाराज हो गए. और इसके बाद ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी, यहाँ से वो रिवर्स लेते हैं. ये करने के बाद उसके बाद अब ये जो डैमेज कर दिया उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को, या फिर अपना एक नेगेटिव इंप्रेशन शो कर दिया, अब इसको वो ठीक करने की भी कोशिश करते हैं. जब आप स्टोरी कंप्लीट करवाएंगी ना, उसके बाद वो इसको रिवर्स करेंगे, इसको फिर ऐसा ऐसा पॉलिश करेंगे, इस पे पेंट लगाएंगे, इसको शाइन करेंगे, बताएंगे जी कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, इस कन्फ्यूजन की वजह से उनमें आपस में इख्तलाफात आ गए थे, वो बाद में मिल बैठे, उन्होंने डिस्कस किया तो उन्हें लगा कि ये तो हमारी अपनी मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है. और उसके बाद उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया और वो बड़े हंसी खुशी अब रह रहे, नाउ दे आर सो गुड एंड दिस एंड दैट. ठीक है, इस तरह करते हैं. अब ये जो चीज़ है, ये आपने कोशिश करनी है, अवॉइड करनी है ड्यूरिंग यूर साइड स्टोरीज, ट्राई टू बी नॉर्मल. ठीक है, द रिलेशनशिप वॉज सो गुड, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, अचानक अचानक बहुत दूर हो गए आपस में एक दूसरे से दूर हो गए ड्यू टू डिफरेंट जॉब एलोकेशंस. ठीक है, इस तरह एक ही फॉर एग्जांपल बैच के थे और दोनों की पोस्टिंग किसी और जगह पे आ गई. ठीक है, दोनों एक ही क्लास में पढ़े हुए थे तो दोनों की जॉब किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लग गई. इट कैन बी लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरह करके चीज़ों को रिस्पॉन्स करना. देन अली वॉज सिटिंग विद हिज फ्रेंड सडनली. अब अली अपने दोस्तों के साथ अकेले बैठा है, अचानक अब अचानक के बाद हमेशा कोई धमाका हो गया, उसको फोन आ गया, उसकी दादी मर गई, उसको फोन आ गया, उसका फलाना मर गया, उसको उसके साथ ब्लास्ट हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सामने कोई बैठा हुआ था उसका एक्सीडेंट हो गया, आपके दोस्त को भी प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई चोट लग गई, समथिंग लाइक दैट. हमेशा रिस्पॉन्सेज, अगर आप मेरे से ये लेक्चर्स इससे पहले या अभी ना लेते तो आपके रिस्पॉन्सेज भी मुझे पता है कि ऐसे ही होते, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. 99% मैं बता रहा हूँ, 1% कोई एक्सेप्शन केसेस हों तो हों, अदरवाइज सब के रिस्पॉन्स ऐसे ही होते हैं. वो पहले डैमेज करते हैं, वो कहेंगे अली वाज सिटिंग हिज फ्रेंड सडनली देयर फ्रेंड दे सॉ एन एक्सीडेंट, और उसके बाद फिर अब ये डैमेज कर दिए, एक्सीडेंट करवा दिए. आप जाएंगे, बड़े बनेंगे, आप जाके फुर्तियाँ दिखाएंगे, आप उसको ठीक करेंगे, अब आप बंदे को उठाएंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे, आप उसको एम्बुलेंस को बुलाने के बाद उनकी हेल्प करेंगे, उसको अस्पताल लेके जाएंगे, उसके घर वालों को कॉल करेंगे, हॉस्पिटल में उसकी तीमारदारी करेंगे, उसका फॉलो अप करेंगे, डॉक्टर से पूछते रहेंगे, और उसके बाद उसको ठीक कराएंगे, फिर उसको अच्छी खुशी घर बसाएंगे, सब करेंगे काम. लेकिन आप स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि पहले उसने जो है धमाका करवाया है, पहले उसने जो है ब्लास्ट करवाया है, पहले उसने जो है एक्सीडेंट करवाया. तो ये काम आपने नहीं करना. ठीक है, आपने हमेशा चीज़ों को नॉर्मल लेना. देखें अली वाज सिटिंग, उर्दू में देखें इसको, अली वाज सिटिंग विद हिज फ्रेंड सडनली. अली अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, अचानक अचानक किसी दोस्त की कॉल आ गई, उसने कहा यार मैं पाकिस्तान आया हूँ तो लेट्स डू अ गेट टुगेदर. तो अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था, उसने कहा यार वो फलाना हमारा रूममेट था, क्लासमेट था, बड़े अरसे से हमारे साथ है, वो आजकल पाकिस्तान आया है, लेट्स प्लान अ गेट टुगेदर. ठीक है, इस तरह हो सकता है. अली वाज सिटिंग विद हिज फ्रेंड सडनली वन ऑफ देम गेव एन आइडिया और थ्रो एन आइडिया दैट लेट्स डू अ फेयरवेल फॉर आवर नेक्स्ट लाइक बैच या फिर सेकेंड ईयर के जो जा रहे हैं उनको फेयरवेल देते हैं. और फिर उन्होंने कहा कि लेट्स डिस्कस विद प्रिंसिपल, और उनको ये अपना प्रपोजल पेश किया. प्रिंसिपल वाज रियली हैप्पी, और उसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें अलाउ किया, अरेंज किया पूरे का पूरा इवेंट. उसमें आप पूरा इवेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्होंने ये एक्टिविटीज उसमें अरेंज की, और इट वाज क्वाइट क्वाइट अ रिमार्केबल इवेंट. और सबको वो याद है, आज भी जब हम ये पिक्चर्स देखते हैं हम उसको याद करते हैं. आपके टीचर्स ने, आपके प्रिंसिपल ने अप्रिशिएट किया ऑन योर एफर्ट्स और आपकी मैनेजमेंट के ऊपर. तो अपने लीडरशिप स्किल्स शो कराएं, अपने मैनेजमेंट स्किल्स शो कराएं, ठीक है, अपना इनिशिएटिव शो कराएं, अपनी सोशल पर्सनैलिटी शो कराएं. तो ये जनरल चीज़ें. अली आप देखें, चार दोस्त बैठे हैं बाहर, गपशप लगा रहे हैं किसी टेबल के ऊपर, चाय पी रहे हैं, तो सडनली अचानक क्या हो सकता है, कोई आइडिया ही माइंड में आ सकता है ना. आजकल तो सबके माइंड में बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, तो आप बिजनेस की तरफ बेशक ना जाएं, बट यू कैन डिस्कस समथिंग गुड, लाइक मे बी यू कैन से दैट आप हम इवनिंग में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. आप कह सकते हैं कि मैं यार कोई नया इवनिंग है, कोई टेक्निकल कोर्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह, या फिर आप कोई सोशल एक्टिविटी, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, किसी सोसाइटी की किसी की हेल्प कर सकते हैं, कोई ऐसा चीज स्टार्ट कर सकते हैं जिससे किसी को वो मिले, सपोर्ट मिले. तो इस वी कैन रिप्लाई लाइक दैट. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं
दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. शी हर्ड अ वॉइस, समवन ने लिखा, शी हर्ड अ वॉइस सडनली, समवन वाज कॉलिंग फॉर हेल्प. दिस इज आल्सो समवन अ रॉन्ग स्टोरी. ठीक है, समवन कॉलिंग फॉर हेल्प मींस देयर इज समथिंग बैड हैपेंड आउटसाइड. ठीक है, और इसका मतलब या तो कोई चोरी हो रही है, या कोई डाका डर रहा है, या फिर उसको कोई छेड़ रहा है, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है. इट इज ऑल नेगेटिव. ठीक है, डोंट थिंक अबाउट. एंड फॉर अ गर्ल हु इज सिटिंग इन साइड अ रूम, ठीक है, जो कि अकेली है, आप खुद सोचें. आप तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह हैं भी ऐसे कल्चर से, शायद पेशावर वगैरह से रिलेटेड आप हैं, तो आपके कल्चर में ऐसा होता है कि यार आप लड़की है, घर के अंदर बैठी है, बाहर से हेल्प हेल्प की आवाज़ आए तो क्या लड़की जाएगी बाहर? आई डोंट थिंक सो. योर कल्चर अलाउज यू टू गो आउटसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है, लड़कियों को जाने ही नहीं देते. मतलब बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आपको बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं देंगे, लेकिन नॉर्मल में ये होता है कि लड़की जो है, अगर बाहर से हेल्प हेल्प की आवाज़ आ रही है तो बड़ा कोई जाता है बाहर और देखता है. लड़की जाती है, आजकल के हालात भी इस तरह के हैं कि वैसे ही रूम के अंदर इंटर होता है, घर के अंदर इंटर हो जाए हेल्प हेल्प ये की आवाज़ लगा के, तो नॉर्मली हमारे बड़े जाते हैं. ठीक है, या मेल जाता है. ठीक है, इस तरह फीमेल ऊपर से शीशे से जरूर देख लेगी, बट आई डोंट थिंक सो कि वो बाहर जाएगी और उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि अवॉइड करते हैं. पहले हेल्प हेल्प की कॉल करेंगे और उसके बाद आपको, और फिर अगर लड़की जाए भी नहीं तो लड़की उसकी मैक्सिमम हेल्प नहीं कर सकती. अगर वो चली भी जाए तो वो शायद जो है उसको स्ट्रेचर पे नहीं डाल सकती, वो उसको एम्बुलेंस में नहीं डाल सकती, वो उसको पट्टी नहीं कर सकती. अगर वो मेल है खास तौर पे, उसको हाथ नहीं लगा सकती. ऑल शी कैन डू इज टू कॉल, आई थिंक एमरजेंसी. ठीक है, 112 को कॉल कर सकती है, बट आई डोंट थिंक सो कि इन्वॉल्व इन सच थिंग्स. इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही ना हो आप. किसी को इस तरह हेल्प के लिए पुकारना और फिर आप अपने शो करें कि आई एम सो बोल्ड, फिर उसमें बहुत सारी और चीज़ें आ जाएंगी. फॉर बॉयज एज वेल, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ये लिमिटेशन है. बॉय के लिए भी आप क्यों जानबूझ के उसको हेल्प के लिए कॉल करवा रहे हैं? ठीक है, आप क्यों बताना चाह रहे हैं देयर इज समथिंग प्रॉब्लम हैपेंड आउटसाइड? और जब आप प्रॉब्लम हैपेंड आउटसाइड करेंगे तो इट कैन बी यू, राइट? दे डोंट नो हु इज कॉलिंग फ्रॉम आउटसाइड. मे बी यू आर द वन हु इज कॉलिंग फ्रॉम आउटसाइड. साइकोलॉजिस्ट कैन थिंक, राइट, कि इसके ये बैठ जाती है तो इसको शायद किसी ने तंग किया हो इसकी लाइफ में, शायद इस पर कोई ऐसा बुरा वक्त आया हो. दे कैन लाइक रिलेट इट, उनको तो नहीं पता कि हेल्प किसकी है. दे ओनली नो यू आर, यू एंड यू आर मेंशनिंग इट, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. देन शी वाज ऑल अलोन इन स्टॉर्मी नाइट. ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. स्टॉर्मी नाइट है, लड़की है, अकेली है, स्टॉर्मी नाइट है, अचानक. अब स्टॉर्मी नाइट का मतलब है कि आप मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है, तो अब इसमें लड़की भी अकेली है, तो अब ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती है ना तो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है. मे बी इफ यू आर ऑन रोड, लड़की रोड के ऊपर है तो ऑफकोर्स वहाँ पे स्टॉर्मी नाइट है तो शी विल फाइंड सम हेल्प और मे बी कॉल समवन और समथिंग लाइक दैट. बट जस्ट टेक इट वेरी सिंपल, ठीक है, आप लिखें कि वो अकेली है, स्टॉर्मी नाइट भी है. तो अकेली है, स्टॉर्मी नाइट है, दे डिडंट मेंशन शी इज ऑन रोड, जस्ट मेंशन शी इज एट होम, स्टॉर्मी नाइट है और वो अकेली है. एंड देन शी सडनली प्लान दैट द वेदर इज सो गुड, ठीक है, इट इज लिटिल बिट कोल्ड एंड लिटिल बिट वार्म, तो इस मौसम के अंदर लेट्स मेक अ कप ऑफ टी फॉर कप ऑफ कॉफी फॉर एवरीवन, और साथ थोड़ी सी डिशेस बना लेते हैं कोई हल्का फुल्का. जैसे ही मेरे फादर आएंगे या मेरे पेरेंट्स आएंगे या मेरे ब्रदर आएंगे, उनका आने का टाइम हो गया ऑफिस से, तो वी विल इंजॉय टुगेदर. ठीक है, या फिर आप दोस्तों को कॉल कर सकते हैं, यार वेदर बहुत अच्छा है तो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, कैन यू अकंपनी मी? तो उसमें दोस्तों में जरूरी नहीं कि आपके दूर के पार के दोस्त हैं, मे बी फ्रॉम नेबर्स दे कैन कम टू यू एंड यू कैन ऑल बोथ एंजॉय. ठीक है, इसमें सिर्फ लड़की तक ये शी लिखा है तो लड़की तक ये ऑफ कोर्स महदूद है, बट इफ बॉयज आर डूइंग दैट दे कैन मेंशन इट बाय सेइंग दे मे बी देयर सिस्टर इज डूइंग लाइक दैट. तो स्टॉर्मी नाइट के अंदर अक्सर आप देखें बारिश हो रही हो तो मुझे तो पकौड़े खाने का बहुत शौक होता है. ठीक है, तो अकेले हों तो फिर साथ मूवी भी लगा लेते हैं, अकेले हों तो हम किसी को कॉल भी मिला सकते हैं किसी दोस्त को कि यार लेट्स डिस्कस, रात भी है, बारिश भी हो रही है, तो मैं साथ साथ कुकिंग करती हूँ और साथ साथ तुमसे डिस्कस करती हूँ, हमारा कल परसों एग्जाम है, एग्जाम की प्रिपरेशन मिलकर कर लेते हैं, साथ में कुकिंग भी कर लूँगी, एंजॉय भी करेंगे. यू कैन डू लाइक, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट ऑन योर पर्सनैलिटी, विच इंटरेस्ट यू वॉन्ट टू शो. यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर सोशल लाइफ, यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर स्टडीज के फ्यूचर के किसी टेस्ट की मिलकर प्रिपरेशन कर लूँ. यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर कुकिंग स्किल्स, यू वॉन्ट टू हाईलाइट योर हॉबीज, आप इसमें कोई बुक बता सकते हैं,
The weather is so good, so I took a I make a cup of coffee for myself and I start reading a new book. A book का नाम बता दें और फिर उसकी थोड़ी सी स्टोरी बता दें. सो यू कैन मेंशन योर हॉबी इन दैट. डोंट वरी अबाउट स्टॉर्मी नाइट और दिस एंड दैट. ये लाइफ के अंदर चलती है, इसमें हर किसी का मतलब नहीं है. स्टॉर्मी नाइट होगा तो हमेशा कोई एडवेंचर ही होना है. देर कैन बी लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैपन इन आवर लाइफ. हमेशा बस याद वो रह जाती है जो थोड़ी सी नेगेटिव है. होपफुली यू यू गेट माई पॉइंट राइट, कि आप चीज़ों को किस तरह बड़े ही सुकून से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. देन शी वॉज ऑल अलोन, ये भी हमने कर लिया. देन शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड सडनली. अब ये चीज दिस इज समथिंग डिफरेंट. हमसे ने लिखा, एज लॉन्ग एज योर स्टोरी इज कंप्लीट एंड मेक सेंस, यू गेट योर पॉइंट अक्रॉस, इट डजंट मैटर एज मच ऑन हाउ मच यू राइट. ये किसने पूछा है? नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड. अब लड़की है, रोड के ऊपर खड़ी हुई, अचानक कुछ हो जाता है. ठीक है, अचानक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. देखें, अचानक उसको उसके फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं, अचानक उसको उसकी कोई पुरानी दोस्त मिल सकती है, अचानक उसको उसका कोई टीचर मिल सकता है, अचानक उसको उसका कोई पुराना कुलीग मिल सकता है. ठीक है, अचानक उसकी जो है कोई कॉल आ सकती है किसी इंटरव्यू के लिए, कोई कॉल आ सकती है किसी सिलेक्शन के लिए, कोई कॉल आ सकती है किसी दोस्त की. ठीक है, तो रोड पे खड़े होने से अब हरगिज नहीं है कि रोड पे खड़ी हुई है साथ एक्सीडेंट हो गया, रोड पे खड़ी हुई है दो लड़के आकर उसको छेड़ना शुरू हो गए. दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सेज विच आई रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स. और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये सेंस है स्टूडेंट्स के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर, ये सेंस सब में ऑलमोस्ट है. 99% केसेस में है कि जब भी लड़की, अच्छा एक एक जगह पे ऐसा भी है, एक स्टोरी आती है कि शी वॉज ऑल अलोन इन अ जंगल सडनली. ठीक है, जंगल के अंदर वो अच्छा फिर रही है और अचानक कुछ हो जाता है. अब जंगल के अंदर फिरती है तो हमेशा पहले तो उसको किसी से आप काउंटर करवा, आप उसको किसी से आमना सामना करवाते हैं. ठीक है, कभी शेर से करवा देते हैं जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, कभी किसी जो है सिग्नल उसके लॉस करवा देते हैं, कभी उसको कोई और एडवेंचरस सिचुएशन में डाल देते हैं. बट देखिए, एक लड़की है ना, अगर वो जंगल में अकेली है, दैट मीन्स शी इज देयर फॉर सम पर्पज. ठीक है, दैट मीन्स के वो वहाँ किसी मकसद के लिए गई है और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है. अब जंगल में नॉर्मली लड़कियां क्यों जाती हैं? बहुत रेयर है कि कोई लड़की जंगल में जाए. द ओनली रीजन बिहाइंड इज के देयर इज सम मोटिवेशन बिहाइंड. इट कैन बी लाइक व्हिच आई आल्सो रिसीव सम रिस्पॉन्सेस. मैंने गाइड किया तो रिस्पॉन्सेस आते हैं. दैट गर्ल कैन बी अ बॉटनी स्टूडेंट. वो किसी पौधे पे रिसर्च कर रही हो, वो कोई फोटोग्राफर हो. ठीक है, और वो नेचर को स्टडी कर रही हो या नेचर के ऊपर पिक्चर्स बना रही हो, किसी कंपटीशन में उसने अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाया हो और वहाँ पे जो है वो कुछ पिक्चर्स ले रही हो, वो वाइल्ड लाइफ को के ऊपर रिसर्च कर रही हो, दैट इज व्हाई शी इज इन अ जंगल. ठीक है, तो सडनली के बाद आप उसका उसका गोल कंप्लीट करवाए, यानी कि मे बी इफ शी इज वर्किंग ऑन अ वाइल्ड लाइफ समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको कोई खास किस्म का परिंदा, उसका आप नाम याद कर लें, कोई खास किस्म का जानवर, उसको वो दिखा दें और उसके स्नैप्स उसको दिलवा दें. या फिर कोई पौधा है, अगर आपको बॉटनी शॉटनी जियोलॉजी या इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप उनसे रिलेटेड कोई कीवर्ड डाल सकते हैं और आगे फिर उसकी रिसर्च कंप्लीट करवा सकते हैं, उसको रिकग्निशन दिलवा सकते हैं. तो अगर कोई मेडिसिन की स्टूडेंट है तो उसको कोई ऐसा पौधा मिल जाता है जिससे किसके थ्रू वो कोई नई चीज बना सकती है, कोई नई मेडिसिन या कोई नया टेस्ट कर सकती है लैब के अंदर. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. ये सब का सब चीजें आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपके दोस्तों पे भी डिपेंड करता है. इन सम वेज आपके अपना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन आपके दोस्त उन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू मेंशन इट. मे बी आपका कोई दोस्त हो, उसको एनिमल्स या फोटोग्राफी का बहुत शौक हो, यू कैन मेंशन इट. ठीक है, बिकॉज आपका दोस्त है, आपके साथ रहता है, गप लगाता है, तो ऑफ कोर्स उसका इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव चीज है. ग्राफिक का शौक था, किसी कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया, इस तरह की चीजें आपने. प्लीज अपना माइक ऑफ कर. अच्छा चले, तो होपफुली कि आज का जो सेशन था, एक्चुअली ये सेशन मैं इसलिए सब का लेना चाह रहा था बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. इसमें मुझे मैंने ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने थे कि आप रिलैक्स रहें. कोई भी टॉपिक आता है, सडनली हो, मर गया हो, कोई आपको लग रहा हो कि यार ये तो चीजें गड़बड़ है, रिलैक्स रहे, कूल एंड काम माइंड के साथ उसको सोचें कि यार नॉर्मल, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें. जब उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके बाद आप उसको देखेंगे, यार एक लड़की है अकेली रोड पे जा रही है, अचानक क्या हो सकता है.
अचानक कुछ भी नहीं हो सकता, अचानक हल्की फुल्की बारिश शुरू हो सकती है, मौसम अच्छा हो सकता है, अचानक जा रही है तो मौसम बहुत खुशगवार हो गया। शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स कि यार लेट्स हैव अ गेट टुगेदर, मैं अभी इधर ही आई हुई हूँ, तो अगर इफ यू आर फ्री देन हैव लेट्स हैव अ टी टुगेदर, ठीक है। या फिर आपको कोई पुरानी दोस्त मिल गई, आपने उसको कहा यार कि वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स कम टुगेदर टू माय होम, मेरे घर आओ, मेरी मम्मी से मिलो, उसको घर लेके आए अपनी दोस्त को और उसके साथ चाय पिलाए और अपनी से गपशप लगवाए, पूरे पुरानी मेमोरीज शेयर करें, 1-2 घंटे अच्छे गुजारे, खुशगवार, उसको घर भेज दें। तो इस तरह की चीजें पॉसिबल है ना। अब जरूरी तो नहीं कि रोड पे जा रही हो तो कोई एक्सीडेंट ही होगा, फिर उसके बाद आप उसके तीमारदारी शुरू कर देंगे, उसको आप फर्स्ट एड दिलवाएंगे, आप फिर उसके बाद बड़े अच्छे सिटीजन बनना शुरू कर देंगे। लेकिन अच्छे सिटीजन बनने से पहले जो आपने डिजास्टर कर दिया ना अपनी पर्सनैलिटी के साथ, वो रिकवरेबल नहीं है। अब आप जो मर्जी करते रहे, आप उसके साथ बेशक कहते रहे कि नहीं नहीं उसको चोट ही नहीं लगी थी, वो तो जस्ट स्लिप था, बट ऑलरेडी डन, जो डैमेज था वो हो गया। तो ये चीजें आप करें अनटिल और अनलेस। नाउ आई एम टेलिंग यू अगेन वन मोर थिंग, कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने हमेशा आपको पॉजिटिविटी सिखाई है। इफ यू फील कि कोई ऐसी चीज है कि जिसमें आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, ठीक है। इधर एक पिक्चर थी वो मेरे सामने आ नहीं रही, लेकिन मैं आपको शेयर करता। उसमें एक स्टोरी है, उसमें सामने कुर्सी है, सॉरी साइकिल है, वो साइकिल बस के नीचे आई हुई है और एक बंदा उड़ता हुआ जा रहा है, लाइक फ्लाइंग करता। इट डायरेक्टली मीन्स कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। इसमें आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन आप डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि यार एक्सीडेंट जरूर हुआ था, बट देर आर ओनली माइनर इंजरीज, ठीक है। उसकी टांग नहीं तोड़वानी, उसका बहुत खून नहीं बहने देना, सिंपल आपकी आपके कंट्रोल में है ना चीज। तो आप उसको कहेंगे देर आर सम माइनर इंजरीज, सो आई हेल्प हिम, या फलाने हेल्प हिम फॉर सम लाइक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, एंड आफ्टर दैट दे कॉल्ड पुलिस एम्बुलेंस और मे बी 112, एंड दे टुक दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल। अब इसमें देखें एक और चीज भी है कि अगर किसी को कोई चोट लगती है तो आप यू आर नॉट हर फन मोला, लेट द पीपल हु डील इन इट टू टैकल दैट सिचुएशन, ठीक है, उनको हैंडल करने दें। ये अगर एक्सीडेंट हुआ है तो माइनर भी हुआ है ना, तो डॉक्टर इज मस्ट, आपने उसको एम्बुलेंस में पहुंचाना जरूर है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको माइनर इंजरीज नजर आ रही होती है, लेकिन शॉक इतने जोर से लगता है कि वो चीजें जो है कुछ इंटरनल इश्यूज भी होते हैं, इंटरनली भी आपको डैमेज हो सकता है। तो ये चीजें डॉक्टर को हैंडल करने दें, डोंट बी लाइक मैंने उसको बस पट्टी कर दी, नाउ ही इज सो गुड और आप वो ठीक है एंजॉय करें, नो नो, आप ना थोड़ा बहुत करें, आप उसको जो फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट देना चाहें दें, उसके बाद आप 112 को साथ ही कॉल करें, पूरा इमरजेंसी में कहें कि दिस इज एक तरह एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद जो है आप उसको स्ट्रेचर में डाल के उसको उधर भेजें, और साथ अगर उसकी साइकिल पड़ी हुई है तो इन द मीन वाइल आप साइकिल उठाएं और उसको साइकिल को जो है ठीक करवा के उसका नंबर ले लें और उसको उसके घर ड्रॉप करवा लें। इस तरह आप चीज़ों को हैंडल करें तो इट शोज कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हैं और लॉजिकल पर्सन भी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी लिमिट्स में रहना, ये नहीं कि मैं तनख्वाह हूँ या मैं तो आर्मी ऑफिसर हूँ तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं, आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी ड्यूटी करें, और वो ड्यूटी आपकी ये है कि आप जो कंसर्न पर्सन है उनको इन्फॉर्मेशन दें कि यहाँ पे ये एक्टिविटी हो चुकी है। अच्छा जी, चलिए अब आपके सवाल देखते हैं। सर एज करेक्टर के बारे में बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर नेम क्वालिफिकेशन पर? जी जी आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप बताएं। किसी और के सर पर कंधे पर रख के आप बंदूक चलाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैं हूँ समन है, आप सिंपली कह सकते हैं कि दैट पर्सन नेम इज अली एंड अली बिलोंग फ्रॉम दिस, अली हैज डन दिस एंड दिस, आपको उसका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। लेकिन आप ये देखना है कि इंट्रोडक्शन के चक्कर में जो आपका मेन टॉपिक है उसका टाइम जाएगा, ठीक है, टाइम वैसे होता तो काफ़ी है लेकिन बोरिंग ना हो, ठीक है, कि आप उसी का इंट्रोडक्शन करवाए जा रहे हैं, उसी की तारीफों के फूल बांधे जा रहे हैं। अगर आपने तारीफ करनी है तो आप स्टोरी ऐसी बनाएं कि एंड पे उसकी तारीफ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आप उसको फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दें, इट शोज कि आपकी केयरिंग पर्सनैलिटी, इट शोज कि आप रिस्पॉन्सिबल। मैंने मुंह से नहीं बताया उनको कि अली इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, अली इज वेरी केयरिंग पर्सन, मैंने करके दिखाया, दे ऑलरेडी न्यू इट कि इस बंदे की पर्सनैलिटी केयरिंग है, इस बंदे की पर्सनैलिटी रियलिस्टिक है, इस बंदे की पर्सनैलिटी लॉजिकल है, इस बंदे की पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबल है ये, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो, दैट इज़ एनफ।
आप करना भी चाहें तो एक आध वर्ड में लाइन में कर सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, बट इसका अनदर वे ये है कि आप अंदर ही स्टोरी के एक ऐसी स्टोरी डेवलप करें दैट शोज अ गुड करेक्टर। सो एनी क्वेश्चंस प्लीज, वी हैव 6 मिनट्स। एक स्टोरी प्रैक्टिस करवाएं 6 मिनट। आई थिंक इसमें रिस्पॉन्सेज काफी लेट आएंगे। आई विल गिव यू इन अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में उसको जो है रिस्पॉन्स करके पेस्ट कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। पिक्चर स्टोरी कितनी लाइंस की होती है? ओके, द सेम लाइक पॉइंटर स्टोरी, पिक्चर स्टोरी एंड पॉइंटर स्टोरी बोथ आर सेम। यू हैव टू आई थिंक रिस्पॉन्ड इट इन 2 पैराग्राफ्स एट लीस्ट। एक पैराग्राफ लिखेंगे ना तो वो स्टोरी की एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगी, इट इज नॉट अ स्टोरी। तो कहानी के लिए जरूरी है वो थोड़ी सी लंबी, तो उसकी तमहीद होनी चाहिए ताकि लगे किसी को पढ़ते हुए कि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आई थिंक 2 पैराग्राफ्स आर एनफ, हाफ पेजर, लेकिन आप 1 पेजर भी लिखना चाहें तो लिखें। इन दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस में आप 1 पेजर भी लिखें ताकि मैक्सिमम आपकी पर्सनैलिटी की चीज़ें बाहर आएँ और हम उनको जो है देखें, एक्सेस करें। इस पिक्चर स्टोरी पे जरा समझा दे, सामने वाली पे जी समझा दे। अच्छा ये देखें, बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत सारे बंदे खड़े हैं लाइन के अंदर, ठीक है, एक बंदा साइड पे खड़ा है। अब इट कैन बी, टाइम कितना होता है इसमें? टाइम 4 मिनट होता है। अच्छा 30 मिनट्स फॉर पिक्चर एंड देन 3.5 मिनट्स फॉर राइटिंग। उसमें आप बेशक पिक्चर को 5 सेकंड देखें और बाकी सारा टाइम आप यूज करें, दैट इज अप टू यू। अच्छा जी, ये जो सामने बंदे खड़े हैं लाइन में खड़े हैं, आप बहुत सारी चीजें, इफ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन मेंशन इट, दिस इज अ फी लाइन, ठीक है, कहीं फीस डिपॉजिट हो रही है, नए कोर्स के लिए लोग रजिस्टर हो रहे हैं। दिस कैन बी ISSB फर्स्ट डे, ठीक है, वहाँ पे भी हो सकता है। इट कैन बी इनिशियल टेस्ट, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। ये जो साइड पे बंदा खड़ा हुआ है, इट कैन बी अ टीचर, ठीक है, इट कैन बी मे बी स्टूडेंट फ्रॉम देम, ठीक है, उन्हीं की तरफ से एक स्टूडेंट है, वो अभी आया है और वो देख रहा है कि साथ, या फिर वो ये, इट कैन बी अ मॉनिटर, आप अपना लीडरशिप का रोल शो कर सकते हैं कि ये जो है मॉनिटर है और ये सारों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आगे एक्टिविटी होने जा रही है, फॉर एग्जांपल कंपटीशन होने जा रहा है, ठीक है, और इसने ये ऑर्गेनाइज करवाया ये कंपटीशन, इसने एक प्रपोजल दिया था कि लेट्स हैव अ कंपटीशन इन यूनिवर्सिटी। तो ये वो लोग हैं जो कम्पीट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इट कैन बी सॉन्ग्स, इट कैन बी सम लाइक एक्टिविटीज, इट कैन बी सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इट कैन बी सुपरवाइजर, यस समवन, इट्स अप टू यू। तो आप इसकी, अब आप ये जो 11 बंदे खड़े हुए हैं, जितने भी खड़े हुए हैं, इट कैन बी अ टीम, टीम भी हो सकती है, अपने अपने किट्स यहाँ से उठा रही है, तो ये उसका कैप्टन हो सकता है, आप यह भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये इट्स जनरल, उसमें आप ये नहीं कि आप इन सारों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। यू कैन हाईलाइट दिस पर्सन कैप्टन एज अ कैप्टन, या फिर दिस पर्सन एज अ सुपरवाइजर, या दिस पर्सन एज अ लीडर, दिस पर्सन एज अ मॉनिटर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एनीवन, ठीक है, आप इसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं कि ही इज दिस एंड दैट, और उसने एक आइडिया प्रेजेंट किया, वो आइडिया सबको बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद उसने अनाउंसमेंट की, उस आइडिया को जो है ऑर्गेनाइज करवाया, और आज उसका पहला दिन है, बहुत सारे लोग जो है इंटरेस्टेड हैं उस आइडिया को करने के लिए, पिच करने के लिए, तो ये जो है उसको लीड कर रहा है, तो ये जो है साथ साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसके बाद बेशक इवेंट करवाएं और इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं, और जो जो जीते हैं उनको अवार्ड दिलवाएं, बेशक अपने आप को भी जो लीडर है वो भी रिकग्निशन ले ले किसी प्रिंसिपल से, किसी टीचर से, या HOD से, इट इज अप, ठीक है। तो ये इस तरह जनरल स्टोरी बनेगी, होपफुली कायनात अब आप इसको भी कुछ ना कुछ बना लें। तो थिंक इसमें आप जरूरी नहीं कि 11 बंदे बैठे हैं तो 11 को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ये जो सामने सारे खड़े हैं, ये सारे कैप्टन भी हो सकते हैं, कि आपके कॉलेज में कोई क्रिकेट का जो है लीग हो रही है, उस लीग में बहुत सारी टीम्स ने रजिस्टर किए, और इस बंदे ने रजिस्टर किए जो साइड पर खड़ा हुआ है, और जो ये जो है सब जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कैप्टन, तो ये है कि अभी हमारा कंपटीशन होगा। इट कैन बी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, इट कैन बी
नेशनल कंपटीशन एज वेल, ठीक है, इट कैन बी इंटरनेशनल कंपटीशन एज वेल। तो इसमें अब आपकी चॉइस है, आप जिधर चाहें इसके लिए लेके जाना चाहें, इट इज ट्रू फॉर यू, ठीक है। अब आपके आगे जो जो भी आप लिखेंगे दैट इज ट्रू, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। बस अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड लिखिए, उसमें आप अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड लिखेंगे तो आप उसको डिफेंड अच्छा कर लेंगे। होपफुली आज की क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुई होगी आप लोगों के लिए, और आप थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट व्यू से देखने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें आप जो है सिंपल रहें, कॉम्प्लेक्स ना रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ग्रुप में कुछ पिक्चर का अगर आप खुद ही प्रैक्टिस करके भेजें दैट इज़ वेल एंड गुड। सर ISSB की कॉल लेटर अभी तक नहीं है, वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, 24 अगस्त ISSB के स्केड्यूल स्केड्यूल आगे पीछे हो गया जी, अब बीच में कुछ गैप्स आ गए हैं तो स्केड्यूल आगे पीछे हो गया। डोंट एक्सपेक्ट, अगर तो आ जाती है दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं भी आती तो लेट आएगी, डोंट वरी आ जाएगी। तो चले होपफुली कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे प्रैक्टिस को, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में।